हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फूड बेबी। गाइस, आज की जो रेसिपी है, एक बेहतरीन अच्छा एक सैंडविच कैसे बनाएं, वो भी गार्लिक सैंडविच। बहुत बढ़िया रेसिपी, ट्राई करिएगा। बहुत सिंपल, मतलब फुल ऑफ न्यूट्रिशन रेसिपी है। और एक सैंडविच में सबसे मेन होता है वैरायटी ऑफ सॉसेस एंड वैरायटी ऑफ वेजिटेबल, तो उसके ऊपर ये वीडियो है। और काफी अच्छी, काफी सॉसी और टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है वैसे तो देखा जाए तो, पर बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है। जरूर से ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको रेसिपी। और एक मेन बात ये कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है कमेंट करिए, और जो कमी लगती है ना वो बताइए। वीडियो क्वालिटी या वीडियो एडिटिंग या फूड से कोई रिलेटेड आपको भी कोई भी इशू है तो फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए पहले वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बढ़िया सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पे दो क्यूब पनीर के लिए हैं, बड़े बड़े स्लाइस के। यहाँ पे थोड़ा सा डाला है घी। घी से जो एकदम रंगत आएगी और कलर आएगा ना, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ा आ जाएगा आपको देख के। अच्छे से ऐसे एकदम गोल्डन ब्राउन कर लेना है। अगर आप थोड़ा और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो पनीर को ऐसा करिए, रोस्ट कर लीजिए, पर मेरे हिसाब से इतना तो चलता है थोड़ा बहुत। और ये कम से कम 50 ग्राम की खबर की पनीर है, इससे दो सैंडविच आराम से बन जाएंगे। और देखिए अभी थोड़े थोड़े सिकने शुरू हो गए, मैं तो भाई इन्हें बिल्कुल कर देता हूँ चार। एकदम जो चार फ्लेवर होता है, चायरिंग फ्लेवर होता है, वो काफ़ी टेस्टी लगता है। एकदम हल्का, जैसे जला हुआ कहते हैं, वो पनीर में बहुत टेस्टी लगता है। चाहे आप तंदूरी पनीर बनाएं या पनीर टिक्का, अच्छे से इसको एकदम पकाएंगे बढ़िया दोनों साइड से। अच्छे से पका लेते हैं, जब तक ब्रेड देख लेते हैं। ये हमारे पास गार्लिक लोफ, जिसे गार्लिक ब्रेड एक तरीके से, पर गार्लिक लोफ माने ब्रेड का ही दूसरा नाम होता है, देख सकते हैं आप। ये ब्रेड ली है और काफ़ी अच्छी ब्रेड है, देखने में तो काफ़ी अच्छा साइज है। इस तरीके के दो सैंडविच इसमें से आराम से बन जाएंगे। और साइड में हमारा पनीर भी रखा हुआ है, और इसे कर लेंगे हल्का सा टोस्ट। घी में ही टोस्ट कर रहा हूँ, घी का जो फ्लेवर है वो तो आप जानते ही हैं कितना बेहतरीन होता है हर चीज़ में। अच्छे से टोस्ट कर लेंगे इस ब्रेड को दोनों साइड से, और काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा, क्रंची सा टेस्ट आएगा। ब्रेड हो चुकी है टोस्ट, एक साइड लगाएंगे टोमेटो केचप। भाई ये सैंडविच की जान होती है मेरे ख्याल से, तो इसके बिना हर सैंडविच अधूरा है। बस ज़्यादा मत लगाइए, क्योंकि हमें स्वीट नहीं बनाना है बिल्कुल ही, सॉस ही बनाएंगे। अच्छा बनाएंगे तो थोड़ा मॉइस्ट रहेगा सैंडविच और काफ़ी अच्छा फ्लेवर देगा। अगर आप ओवरलोड सॉस कर देंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएगा, हमें वो नहीं करना है। हमें ड्राईनेस भी चाहिए, साथ में सॉसीनेस भी चाहिए अच्छे से बिल्कुल। और देखिए कितना प्यारा सा रेडिश कलर आया है बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे पास 1000 आइसलैंड सॉस वीवा की, जो कि काफ़ी अच्छी है सैंडविच के लिए, तो मेरे ख्याल से नंबर वन है। मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा, आप जाके ये परचेस कीजिए, एक बार ट्राई करके देखिए। मेयोनीज वगैरह से काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है ये, इसकी बात ही अलग है, बिल्कुल फ्लेवर को एनहेंस कर देता है ये सॉस बिल्कुल। और इस सॉस को लगाने के बाद एक बात और बता दूँ आपको, कोई भी एक्स्ट्रा सॉस लगाने की जरूरत नहीं है, ये सारी सॉसेज की कमी पूरी करेगा आपको। ना कोई शेजवान लगाने की ज़रूरत, ना एनीथिंग एल्स, जो भी आप लगाना चाहें इसमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये सॉस लगा दीजिए, हो गया आपका काम। थोड़ा सा चाट मसाला, देसी टच तो ज़रूर बनता है चाट मसाला। आप चाहें तो कोई और, जैसे कि पीरी पीरी होता है वो डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ओरिगेनो वगैरह भी डाल सकते हैं। ये पनीर के पीस, इसके छोटे छोटे पीस कर लेते हैं, साइड में कर लिया पनीर के पीस। अभी पहले लगाते हैं क्यूकुम्बर। और क्यूकुम्बर, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, ऐसा सैंडविच जब भी बनाएं हमेशा स्किन के साथ बनाएं क्यूकुम्बर को, अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन काफ़ी होता है। तो जैसा कि मैं कहता हूँ, हमेशा क्यूकुम्बर इस तरीके से ही लगाएं और बढ़िया तरीके से ओवरलोड बनाएंगे, एकदम मज़ा आ जाए। और आपने एक सैंडविच खा लिया ना तो बहुत बड़ी बात है, काफ़ी हैवी सैंडविच होता है। थोड़ा सा टमाटो थोड़ा कमी पसंद है ना, तो कमी, थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालिए, अपने अकॉर्डिंग वेजिटेबल डालिए। यहाँ पर तो ये एक तरीके से यूँ समझ लीजिए, जो आपके सैलेड्स होते हैं ना सारे, एक तरीके से आप सैलेड खा रहे हैं इसमें रखकर, और काफ़ी हेल्दी तरीके से। अनियन खूब सारे, इन्हें क्या है, आप अनियन काट लें और एक बार है ना वॉश कर लें ठंडे पानी से, उससे क्या होगा, एक तो प्याज का कड़वापन निकल जाएगा और प्याज क्रंची हो जाएगा और काफ़ी अच्छा टेस्ट देगा। थोड़ा सा चाट मसाला और, ताकि ये फीके फीके ना लगें। जैसे मैंने कहा ना, क्रंची अनियन वो ज़रूर करिएगा। आप चाहें तो क्यूक्यूम्बर को भी ऐसे करिए, क्यूक्यूम्बर भी थोड़ा क्रंची हो जाएगा। और थोड़ा फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए बॉइल्ड स्वीट कॉर्न, बहुत ज़्यादा टेस्टी, मेरे पर्सनली काफ़ी फेवरेट हैं ये सैंडविच में। इन्हें डालो पिज़्ज़ा में, डालो बर्गर में, एनीथिंग किसी में भी डालो मज़ा। और यहाँ पर हमारा चार पनीर, तीन पीसेस कर लिए हैं और काफ़ी हर बाइट में आ जाएगा, इनफ होगा इतना पनीर। और अच्छे से अब इसे करेंगे बंद। उससे पहले एक चीज़ और, एक सॉस और,
थोड़ा सा फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए ये हमारे पास मस्टर्ड सॉस, इसे आप कम ही डालिएगा क्योंकि ये थोड़ा सेवरी होता है, थोड़ा ये कड़वा भी होता है, और इस तरीके से डाल दीजिए सॉस, कम ही डालिएगा जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ। अगर आपने ज़्यादा डाल दिया ना, टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल थोड़ा सा देखा है आपने, इतनी सारी वेजिटेबल में इतना सा सॉस डाला है, 1 टेबल स्पून के जितना होगा या उससे भी कम। ये हमारा ज़बरदस्त फुल्ली लोडेड, देखिए कितना ज़बरदस्त और कितना हैवी सैंडविच बनाया गाइस, और काफ़ी सिंपल और मज़ेदार रेसिपी है। ट्राई ज़रूर करिएगा, वीडियो में क्या कमी है वो ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इतनी आपने वीडियो देखी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।